बैक टू माय YouTube चैनल एबी गेमर। जो आज मैं खेलने जा रहा हूँ फ्री फायर, जैसा कि आप देख ही सकते हो गया स्क्रीन पर। तो ये मेरे पास डीजे आलोक और ये मेरा है फ्री फायर मैक्स। हाँ गाइस, ये फ्री फायर तो अभी बैन हो गया इंडिया में, तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया फ्री फायर मैक्स। और इंडिया में फ्री फायर बैन होने से पहले मैं फ्री फायर बहुत ज़्यादा खेला करता था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी था। तो और फ्री फायर मैक्स में अभी बहुत ही ओपी चीज़ें हो चुकी भाई साहब। मतलब इसमें आपको डीजे आलोक तक भाई साहब कुछ ही दिनों के लिए, और किसने और किस किस मिशन को कंप्लीट करने से तो भाई आपको परमानेंट के लिए कुछ कुछ कैरेक्टर्स मिल जा रहे हैं गाइज। हाँ गाइज, परमानेंटली मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये डीजे आलोक जस्ट 14 डेज के लिए मिला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और मैं कभी भी टॉप अप नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे पैसे नहीं देते हैं टॉप अप करने के लिए। तो यहाँ पर देखो गाइस, ये टॉप अप मैं हर भाई से देखते रह जाता हूँ, मैं भी टॉप अप करूँगा, बट नहीं गाइस, मम्मी पापा पैसे ही नहीं देते हैं तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो अभी देख गाइस, मेरा लेवल 5 है अभी, तो मैं इसमें बहुत कुछ सीख रहा हूँ, जैसे कि वन टैप मारना भी मैं बस सीख ही रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलिए आपको एक बार खेल के दिखाया जाए, और मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो आप लोगों के साथ खेल लिया जाए, क्योंकि अकेले खेलने में गाइस मज़ा ही नहीं आता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर तुरंत से ही मेरा मैच लग गया है। तो अभी देखते हैं गाइस, ओपी काश हम लोग इसके नीचे जा पाते गाइस, हम लोग अपने अर्थ पे चले जाते। अरे भाई साहब, तुम्हारी क्या हो रही है भाई, क्या दिक्कत है। अच्छा भाई, मुझे एक बात ये नहीं समझ आती है कि अगर किसी बंदे के पास एडम है, ठीक है गाइस, एडम है, और किसी बंदे के पास मतलब वो डीजे आलोक है, और एडम ने उसे मतलब एडम वाला बंदा बहुत प्रो लीग खेल लेता, बहुत प्रो खेलता है, बट फिर भी क्या होता है कि वो डीजे आलो कि वो सारे बंदे ना उसे मतलब हमेशा बोलते हैं नूब। मुझे समझ नहीं आता कि भाई वो तुमसे ज़्यादा ओपी प्लेयर है, फिर भले उसके पास डीजे आलोक नहीं है, कुछ बंडल्स नहीं है, तो भाई उसे तुम लोगों को नूब क्यों बोलते हो गाइस, मुझे ये बात तो बिल्कुल नहीं समझ आती है। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग पिक पे चलते हैं, मुझे प्लेन में ज़्यादा देर रहने का मन नहीं करता, इसीलिए मैं वहाँ से उतर चुका हूँ। तो अभी चलते हैं जल्दी से, मुझे सबसे बड़ा वाला घर रहता है वहाँ जाने मन करता है, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ चला गया तो मेरी तो मौत है। मैं इस वाले घर में जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं उतरा है, और देखो भाई इनके तो किल्स भी स्टार्ट हो गए। अरे भाई बंदा, यहाँ पे एक बंदा है गाइस, यहाँ पे एक बंदा है गाइस। अरे भाई साहब मर गया। अरे भाई साहब, वो हीरोइक का बंदा था, उसे भाई इतनी ओपी ग्रेनेड वाली गन मिल चुकी थी गाइस। अच्छा ठीक है, चलो बैक हो जाते हैं। तो गाइस कांग्रेचुलेशंस बोल रहा है भाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो गाइस इस बार तुम मेरे साथ बहुत ही गलत पोपट हो गया है, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि बंदा है, मैंने उसे देख लिया था, तो मुझे लगा था कि वो दूसरे रूम में है, इसलिए मैं ऊपर चल जाता हूँ, पर क्या वो लोग, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो चलिए गाइस, एक बार ये लोन वुल्फ खेलते हैं, ये देखते हैं क्या है इसमें। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि इसमें क्या होगा। अभी तो फिलहाल अरे ये तो बहुत ओपी है, ये बहुत ओपी है। एक के सिलेक्ट क्वेब, ओके बहुत बढ़िया, एक और मैं गन, बस टाइम खत्म, ओके चलो चलो चलो। अरे भाई साहब, आगे बंदा है भाई साहब, क्या प्रो प्लेयर है। अच्छा चलो गाइस, चलो कोई बात नहीं, एक और ट्राई। अरे भाई चलो 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 चलो, बंदा उधर, बंदा उधर, बंदा उधर, बंदा उधर,
अरे भाई इस बंदे ने मुझे फिर से मार दिया, मैं इसे हेड देने की कोशिश कर रहा था। ठीक है गाइस, इस बार हम लोग सारी चीज़ों के इस्तेमाल से इस बंदे को मारेंगे। अरे भाई साहब इस बार मैं कुछ बाय भी नहीं कर सकता लिटरली। ये क्या हो रहा है भाई? अरे भाई साहब इस बंदे ने क्या ही चूज़ किया भाई, इस गन से मेरी बिल्कुल खेली नहीं जाती। इस गन को इस बंदे ने चूज़ कर लिया है। यार मुझसे वन टैप बिल्कुल नहीं होता है, फिर भी पता नहीं इस बंदे ने। अरे भाई डिजर्ट ईगल से क्या हेड मारा है गाइस इसने। अरे भाई साहब ये बहुत गलत सीन हो गया गाइस, ये बहुत ही गलत सीन हो गया। तो इस बार ये बोल रहा है इसी अन के साथ खेलो, तो चलो इस बार हम लोग भी ट्राई करते हैं। तो बंदा तुम जी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये बहुत ओपी प्लेयर है, मुझे इससे तो बच के रहना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा। ओ ओ ओ, ओ बंदा 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 बंदा। अरे भाई मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। अरे गाइस इस बंदे ने मुझे फिर से मार दिया गाइस, बहुत गलत चीज हो रही भाई इतने ओपी प्लेयर के साथ। और ये मैच पॉइंट है गाइस, इस बार मुझे इसकी फाड़नी पड़ेगी, और कुछ नहीं, और कोई चारा नहीं है, मुझे इसकी फाड़नी पड़ेगी। मैंने अपनी बेस्ट गन ले ली है। इसने तो मुझे हरा दिया गाइस। ठीक है गाइस कोई नहीं, हम लोग भाई हेडशॉट सीखेंगे भाई। अब तो भाई वन टैप हेडशॉट यार सीखना बहुत जरूरी है गाइस, वरना यही चीज होता है। तो चलो गाइस एक बार अब क्लैश स्क्वाड खेल लेते हैं, क्योंकि तब से तो हम लोग मर ही रहे हैं। तो चलिए एक बार क्लैश स्क्वाड ट्राई कर लेते हैं, और ये लास्ट है गाइस। तो गेन और लॉस, मुझे गेन का मतलब कभी नहीं समझ आया इसमें क्या लिखता है। तो चलिए अब तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अरे भाई साहब बंदा 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 है भाई, बंदा है तो नहीं, बंदा है वहाँ पर, बंदा है जिसे मैंने देख लिया है। ये वही बंदा है जो उस बार पीछे से जाकर मार रहा था।
गया गाइस, इसे तो हेडशॉट लगा है, ये बैठा हुआ था इसलिए बहुत, इसलिए इसे बहुत गंदा हेडशॉट लगा है। तो इस बंदे को तो मैंने यहाँ पर निपटा डाला है, तो एमओ ले लो भाई, एमओ नहीं छोड़ते। तो चलो गाइस अभी यहाँ पर आगे और बंदे हैं, उन्हें भी टपकाते हैं। तो गाइस यहाँ पर तो अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा है फिलहाल। अरे भाई कहाँ है भाई बंदा, कहाँ है, मुझे भी तो। अच्छा तो गाइस वहाँ पे बंदा, तो ये आई थिंक असिस्ट हो गया है। मुझे असिस्ट बिल्कुल नहीं पसंद भाई, मैं मारता हूँ और दूसरे बंदे उसे तुरंत मार के असिस्ट कर लेते हैं, और ये चीज़ है बहुत गलत सलत बात। तो मैं वुड पीकर ले लेता हूँ ओपी। और अभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं यहाँ पर जाऊँगा कैंपिंग के लिए, मैं कैंपर हूँ भाई, कैंपर। आई डोंट नो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। तो गाइस आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करना और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना गाइस। क्योंकि अगर आप लोग अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ गए गाइस, तो गाइस मैं वन टैप सीख के ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए मैं वन टैप सीख के ही रहूँगा। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ गए तो, अरे भाई साहब, वैसे मैं गेम प्ले तो इतना अच्छा है नहीं कि 50 लाइक्स भी आने चाहिए, पर अगर गाइस आप लोगों को लगता है कि मुझे सीखना चाहिए वन टैप, तो आप लोग गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और इस वीडियो पे हम लोग 50 लाइक्स का एम रखेंगे गाइस। अगर आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया तो गाइस मैं वन टैप सीख के रहूँगा गाइस, ये गाइस मैं बोल के आपको दे सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ, बोल तो मैं दिया ही हूँ, आपको लिख कर दे सकता हूँ। और ये बेन 10 बंदा बहुत ओपी प्लेयर बन रहा है। तो गाइस चलो ये वाली मैच वो जीत जाए कि मुझे MVP बनने का मौका मिल पाए, मुझे MVP बनना बहुत पसंद है। तो चलिए उसके लिए मेहनत ही करनी पड़ती है गाइस। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो सारे बंदे भाई साहब अभी यहीं बजाने के हुड़ में है, जो पहले पहुंच जाए वही कैंपिंग करेगा। गाइस मैं यहाँ पे सबसे पहले पहुंचूंगा, चाहे जो हो जाए। तो गाइस वहाँ पर आके मैंने एक बंदे को देख लिया है, तो चलो उसका भी खेल ख़त्म करेंगे। वैसे ये बेंटन बहुत ओपी है भाई, ये बेंटन भाई मुझे भी अपनी घड़ी दे दो यार, मैं भी इतना ओपी बन जाऊँगा। अरे भाई बंदा 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 भाई बंदा, इसके तो मैं हेड लगाऊँगा। भाई साहब तो इसने मुझे वेक्टर से डाउन कर दिया है। तो अभी भाई साहब मुझे बस कोई जल्दी से ये नंबर 4 मुझे हेल्प के लिए आ जाए मेरी। भाई साहब ये बंदा मुझे मारने आ रहा है, मैं तो गया, कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, ये लास्ट बंदा बचा है, बस इसी से अब उम्मीद है। तो ये बंदे ने भी वुड पीकर ले रखा है। तो गाइस देखते हैं क्या होगा, क्या हम लोग जीत पाएंगे। आई डोंट थिंक कि हम लोग जीत पाएंगे, फिर भी गाइस हम लोग देख कोशिश तो पूरी करेंगे, बंदे पर भरोसा रखेंगे। अरे भाई मारो मारो ओपी है, नॉक हो गया मतलब गाइस अभी भी। अरे भाई साहब बूया, हो गया गाइस, हो गया फाइनली गाइस। तो हमारा बूया यहाँ पर हो चुका है, तो अभी हम लोग वापस चलते हैं। अरे भाई साहब ओपी, लेकिन गाइस मैं MVP नहीं हूँ, इस बात का मुझे बहुत दुख है। ये भाई साहब ये बंदा बेंटन भाई साहब, ये इसने मास्क ही वैसा ही लगा रखा है और बेंटन वाली फीलिंग दे रहा है। तो चलो गाइस अभी हम लोग बैक हो जाते हैं। तो चलो गाइस हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में भी एक बार खेल के देख ही लेते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड में आप लोगों को मैं ले जाता हूँ, उससे पहले क्राफ्टलैंड ने
नहीं भाई, नहीं 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 डायमंड्स मेरे पास है ही नहीं, तो फालतू की ये चीज नहीं। भाई मैंने ट्रेनिंग लगा दिया है ट्रेनिंग ग्राउंड। मुझे अपना डीजे बहुत पसंद है, डीजे 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 नौटंकी कर रहा हूँ गाइस, जानता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग का मैच अब शुरू होने ही वाला है, बस सिलेक्ट एंड भाई साहब पूरा पढ़ने भी नहीं देते। वैसे मैंने ही पढ़ना लेट से शुरू किया था। तो यहाँ पर गाइस मैं अपनी गन ले लेता हूँ जो कि है भाई साहब भूल जाओ, वो तो मैं नहीं लेने जा रहा हूँ गाइस। लेकिन हाँ एक नहीं, चार पोस्टर बहुत बेकार है, ये डिजर्ट ईगल और एक कौन सी गन ले गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पर लेने की सोच रहा हूँ ये मिनी गन, तो चलो इसे भी हमने ले लिया है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आया, ठीक है, अरे भाई हेड हेड हेड, मुझे बस ऐसे ही खेलना है ये सबके बंदों के, मैं तो गाइस हेड लगा पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सारे बंदों के हेड लगा पाऊँ। गाइस मेरे किल ही हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। अरे भाई साहब इस बंदे ने मुझे मार दिया, इसलिए बोलता हूँ गाइस मेरे किल ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। सच में गाइस बहुत बड़ी बात है कि मेरे बस किल हो जाए। मैं ग्लूवॉल तो इस्तेमाल करने एकदम से ना भूल ही जाता हूँ, कभी कभी तो ग्लूवॉल का इतना बढ़िया इस्तेमाल करता हूँ। अरे भाई देख लो भाई मैंने गन भी नहीं निकाली थी लिटरली। अरे भाई साहब ओपी, इस बार मैंने बहुत ओपी काम किया है। बंदे पीछे से आकर मार के चले जाते हैं कुछ भी, मैं उसे नहीं तोड़ने जा रहा था लिटरली। तो यहाँ पे गाइस बहुत सारे बंदे आ चुके हैं भाई, सब मेरे बाप हैं ये गाइस, ये बात तो मुझे पता ही है गाइस कि ये सारे बंदे तो मेरे बाप ही हैं। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब ये मैंने बहुत सही किया। अरे भाई लेकिन फिर भी गाइस क्या फ़ायदा, मारा तो मैं गया। तो चलो अरे भाई साहब बंदा 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 है भाई, यहाँ पर बंदा है बंदा है बंदा है बंदा है बंदा है बंदा है बंदा है। अरे भाई साहब इस बंदे को मैंने टपका डालो, ओपी 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 ओपी, एक किल तो हो ही गया गाइस जैसे तैसे। अरे गाइस मैं फिर से मर गया, चलो एक और ट्राई करते हैं। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब बंदे मतलब दिखते भी नहीं है कहाँ है साहब। मेरी गलती है गाइस, मैं एक ही जगह पे रहता हूँ, एक ही जगह पे मेरा एम रहता है, तो गाइस कैसे होगा यही हाल होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं कि जब बंदे को खोजते हैं। अरे भाई साहब बंदा मार रहा है, मार रहा है गाइस, मैं बार बार मार रहा जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है गाइस इस बार फिर भाई साहब हीरोइक के बंदे भाई, हीरोइक हीरोइक जो भी हो। अरे गाइस मैं बस लगा नहीं जा रहा था ग्लू बॉल और मैं मारा गया, तो चलो फिर से ट्राई करते हैं एक बार।
अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये क्या है ऐसा लाल लाल? अरे भाई, पट से हेडशॉट गाइस, ये बहुत ओपी था, ये बहुत ओपी था गाइस। मैंने उसे 407 का डैमेज दिया गाइस। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कतई जहर। भाई साहब ओपी, ये बहुत मस्त था, जो भी बोलो ये बो। अरे भाई साहब, हम तो भाग कहाँ रहे, मर लो हाँ मेरे हाथ से। ये तो गया। अरे लोग इतनी ओपी तरीके से मारते हैं ना, मुझे तो कहीं समझ ही नहीं आता भाई। ये बंदा गया, इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही होता है मेरे साथ बार बार, तो चलो इस बार नहीं होने दूंगा। अरे भाई साहब, इस बंदे को मारो। हेड गया गाइस। अरे भाई साहब, मैं लेटा किस काम से हूँ? देख लो मेरे पीछे बंदा था भाई साहब। चलो कोई नहीं, अभी मैं बढ़िया खेल रहा हूँ, जो भी बोलो मैं बढ़िया खेल रहा हूँ। देख लो इतना ओपी हेडशॉट गाइस, ये लोग मारते हैं ना, समझ में नहीं आता मुझे तो लिटरली कि क्या करें। भाई साहब, अगर ये बंदा वहीं पर रहता ना, नहीं मारता गाइस, इस बंदे के हेड लगने वाला था सीधे। आप लोगों ने मेरा एम तो देखा ही होगा, एकदम इसके हेड पे था गाइस। बंदा भाई। मैं बार बार एलिमिनेट हो जा रहा हूँ, फिर भी चलो गाइस, हम लोग ट्राई तो करेंगे ही, ट्राई तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या ही हर्ज है। तो अरे भाई साहब, हेड गया, इस बंदे को हेड गया, गंदे वाला हेड गया। अरे भाई साहब, मारो। भाई साहब, मुझे ग्लू वॉल लगा के अपने आप को हील करनी थी ना अपनी पावर से। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, मैं इससे तोड़ता हूँ जल्दी। ओ भाई साहब, नाम ही बंदे का था ओपी हेडशॉट, सोच लो बंदे का नाम ही था ओपी हेडशॉट। गया हेडशॉट, अरे भाई हेडशॉट। मैं भी गाइस धीरे धीरे सीख रहा हूँ खेलने। तो गाइस, यहाँ पे मर चुका हूँ, मुझे ग्लोबल यहाँ पे यूज करना था, लेकिन चलो गाइस कोई नहीं। अरे भाई साहब, पीछे से बंदा आकर मार के चला गया, यही होता है गाइस, यही होता है भाई। इतनी दूर से बंदे ने कैसे मारा, उसे ज्यादा दूर भी नहीं था। M1887 से मार दिया भाई बंदे ने, देख लो। अरे भाई साहब, ये बंदे कहाँ,
सब एक तो गाइस कुछ पता नहीं चलता बंदे कहाँ से मार रहे हैं और कहाँ मार के निकल जाते हैं। सोच लो कुछ समझ में ही नहीं आता है भाई साहब कि बंदा है कहाँ पर। तो उस बंदे को मारूंगा मारूंगा मारूंगा, इस बंदे को मार लो। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं सबसे नूबड़ा बंदा हूँ। तो साफ किसी दूसरे बंदे ने उस बंदे को मारा। मैं बार बार मारा जा रहा हूँ गाइस। तो अब मैं ये लास्ट बार में ट्राई कर रहा हूँ, अगर इस बार मैं मरा तो भाई मैं रख रहा हूँ, भाई मैं रख रहा हूँ। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। गाइस मैं बार बार मर जा रहा हूँ, ये बहुत गलत तो बात हो रखी है गाइस, सच बोल रहा हूँ मैं। और ये फैथ वाला भाई सब कब ही आया था इवेंट इन बंदों के पास, अभी तक मतलब अभी तक इन बंदों के पास फैथ वाला ये है। और ये गाइस फ्री मिल रहा था फैथ वाला, इसलिए अभी अधिकतर बंदों के पास यही है। भाई साहब क्या आप नौटंकी है, अब ये हीरोइक के बंदे को ब्रोंज के बंदे से दे रहा है तो यही होगा गाइस, होगा तो यही। मैंने बंदे को कतई जहर वाला डैमेज दिया है गाइस, मैंने उस वाले बंदे को एकदम 150 का डैमेज दिया था गाइस। अगर मैं उसे और थोड़ा सा डैमेज दे देता ना गाइस बंदा मरने वाला था। अरे भाई साहब मार भाई, मुझे यहीं पर यूज करनी थी ग्लू वॉल जिससे मैं अपने आपको कवर दे पाता। अरे भाई साहब इस बंदे से तो मैं बचाऊं गाइस, मरते मरते बचाऊं। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई मरना नहीं गाइस, मरना नहीं मरना नहीं, मार ही दिया इस बंदे ने, लेकिन खुद भी मर गया गाइस, खुद भी मर गया। भाई हिम्मत है सामने से मारो ना, इधर उधर से मार के चले जा रहे बंदे। अरे भाई हेडशॉट, सीधा हेडशॉट भाई, ये बहुत ओपी था। सब फिर से भाई साहब मैं ग्लू वॉल लगा देता ना गाइस मैं बच जाता, लिटरली मैं बच जाता। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करके जाना गाइस, बाय।